यार मैं अभी भूल गया। परचेज ऑर्डर की हाँ स्क्रीन में ना ठीक तीन विंडोज हैं बेसिकली, एक हेडर है, एक आइटम ओवरव्यू और एक हाँ आइटम डिटेल है। ठीक है, एक डिटेल। हाँ आइटम के अंदर हम मटेरियल देते हैं कि कौन सा मटेरियल हमने लेना है, कौन सा आइटम है, ठीक है और जो आइटम नीचे डिटेल है ना, ये बेसिकली इस आइटम को प्रेजेंट कर रही होती है कि इसके अंदर फर्दर डिटेल क्या है। ठीक है, डिटेल ठीक है ठीक के अंदर जो मटेरियल का टैब है, मटेरियल डाटा, इसके अंदर है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आ रहा है, बिल ऑफ मटेरियल। मटेरियल। नहीं अभी आया नहीं मेरे पास, देखने मटेरियल थोड़ा देखा। स्क्रीन को थोड़ा नीचे करके ये स्क्रॉल इधर कर रहा हूँ, तो ये पूरा हाँ एक कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट के पिक के नीचे लिखा हुआ बिल ऑफ मटेरियल, देखें। ठीक है, हाँ बिल ऑफ मटेरियल। हाँ कंपोनेंट्स के नीचे बिल ऑफ मटेरियल ठीक है। पे क्लिक किया, बिफोर प्रोसेसिंग प्लीज एंटर आइटम क्वांटिटी। वो कहता है क्वांटिटी दी नहीं है, कितने पीसे चाहिए, और आप बॉम्ब लाने आ गए हो। ठीक कितने पीजे बनवाने हैं जी, बताएं आप। 10 कर लें। कंपोनेंट दस ही बहुत है। हाँ के अंदर हमने लेना है कितने, ये इसके लिए 10, ओ सॉरी गलत हो गया ना। ये हमने मटेरियल अलग से बनाए थे ना ये, क्योंकि वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है मटेरियल उसकी। मटेरियल हमने उससे बनाए थे, मटेरियल वो सेम है, मटेरियल का इश्यू नहीं है, वो जब भी बनने हैं एक तरह से बनने हैं। हाँ ठीक है नहीं याद है, तुमने एक बार तीनों के साथ कुछ बल्क में किया था, कुछ किया था वो, मैं यार, वो ध्यान नहीं LSM आ रहा। W चला नहीं है, वो चल जाता तो मैं आपको चलवा दूंगा, वो भी, वो बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है ठीक है ये देखिए नीचे आ गया चिकन सॉसेज डोर, तीन चीजें आ गया। ठीक है, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ ये तीनों तीनों चीजें नीचे आ गई। ठीक है, ठीक है। ठीक इसको बैक कर रहा हूँ, बैक करके ना इसको मैं कर रहा हूँ सिंपल यहाँ से सेव। परचेज ऑर्डर वैसे है ही ठीक लगाया जैसे मैंने पहले लगाया था, कोई इसमें नई चीज नहीं डाली, सिर्फ उसमें आइटम कैटेगरी में L करके नीचे कंपोनेंट दिया। ठीक है, ठीक है अब इसके बाद क्या करना था हमने, गुड माय गो माइक्रो में करना क्या था? माइको में 25 ऑर्डर कर रहा है ना, 25 ऑर्डर पे रिसीव परचेज करना है। ऑर्डर के रेफरेंस से स्टॉक ट्रांसफर करना था हमें। हाँ हाँ ठीक है, तो पहले गुड रिसीव नहीं करने हमने। ठीक नहीं, पहले इशू करेंगे, पहले जो रॉ मटेरियल बाहर भेजेंगे तो बाहर से फिर जो फिनिश प्रोडक्ट लेंगे ना। है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें ये ट्रांसफर पोस्टिंग क्या हो रही है अभी, किधर 25 ऑर्डर, अभी इसका मतलब ट्रांसफर क्या हो रहा है कि पोस्टिंग हम। हाँ अगेंस्ट परचेज ऑर्डर और मूवमेंट 541। हाँ ओके तो ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग अगेन परचेज ऑर्डर का मतलब, अगर हिंदी में मतलब समझे तो क्या हुआ इसका मतलब। ट्रांसफर पॉलिसी की एक जगह से स्टॉक उठा के दूसरी जगह पे रख रही है, ट्रांसफर का स्टॉक कंज्यूम नहीं हो रहा अभी। ये अच्छा इसका तो ये नाम, ये परचेज देखें, ठीक ये GI वेयर हाउस टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग। है, तो ओके, अभी हमने परचेज ऑर्डर हमने बनाया है। परचेज ऑर्डर बनाया सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, और उसके गेस्ट जो रॉ मटेरियल है वो बाहर भेजने हैं। जो बाहर भेज दिए इससे ठीक असल है में ठीक है ठीक है। ये इसलिए होता है कि जब हम बाहर स्टॉक भेज रहे होते हैं ना, मैं जब 10-10 KG हर आइटम भेज रहा हूँ, ठीक है, ठीक अभी है माल नहीं आया मेरे, जो इन प्रोसेस हमारे 10 या 15 परचेज ऑर्डर लगेंगे, लग रहे होंगे, तो ठीक मुझे है कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट कितना माल बाहर पड़ा हुआ है मेरा, जो अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया। ठीक है। यार तो अभी मैं बाहर भेज रहा हूँ। तो जो परचेज ऑर्डर होता है वो बेसिकली, वो कोई कंपनी अगर परचेज ऑर्डर बनाती है तो खरीदने के लिए बनाती है ना, ये तो नहीं इसके, ये जो परचेज ऑर्डर हमने बनाया है इससे हम ले, परचेज ऑर्डर लेने के लिए होता है ना, देने के लिए तो नहीं होता ना कभी, ये देने के लिए भी होता है नहीं, सामान। परचेज ऑर्डर लेने के लिए होता है, लेकिन परचेज ऑर्डर के रेफरेंस से बाहर चीजें भेजनी है कि मैं इस PO में मैंने क्या परचेज करना है पिज्जा, लेकिन ठीक इसके लिए है बाहर जो भेजना है वो ये तीन चीजें भेजनी है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मैं और करता ये हूँ चीजें पोस्ट, हमने किसी से खरीदी हुई हैं, वो अलग ट्रांजैक्शन है जो हाँ जी, खरीदेंगे जब चिकन सॉस एंड ऑल। इसको पोस्ट कर रहा हूँ, ये पोस्ट होकर डॉक्यूमेंट, अब इसका स्टॉक चला गया बाहर स्टॉक। ठीक है, ओके मैंने स्टॉक बताया था बाय, जो स्टॉक गया MP52 में अगर देखेंगे, स्पेशल स्टॉक ओ,
तो ये आपको बता देगा कि बाहर स्टॉक कितना पड़ा है, ये ओ वाला। ये बता रहा है जी, ये तीन मटेरियल जो है ना इस वेंडर के पास पड़े हैं। ठीक है, ये कितनी कितनी क्वांटिटी है वो, इसकी प्राइस बता रहा है और इसके ठीक साथ है। क्वांटिटी भी ये बता रहा होगा यहाँ पे। ठीक ये क्वांटिटी ही है, इससे पहले भी शायद किसी ने किया है, ये क्वांटिटी ही आ रही है। ये नीचे ओ वाली, ये 10 10 पड़े हैं बाहर किसके पास, इस वेंडर के पास, ठीक है और ये वेंडर का नाम आपको पता है। ठीक है ठीक है, आगरा जाना। ठीक है ठीक अब परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने क्या करना है, स्टॉक रिसीव करना है MIGO। वो आपका क्वेश्चन, ओके ओके परचेज ऑर्डर से हम गुड रिसीव करते हैं ना कि ट्राफ इशू करते हैं, ठीक ओके है। और मूवमेंट आई 101 एंटर किया, तो ओके ये क्या चीज परचेज हो रही है। अच्छा पिज़्ज़ा। और ये अगर प्लस का साइन खोलूंगा तो ये नीचे तीन चीजें कंज्यूम भी हो रही हैं, ये तीन चीजें। ठीक अच्छा, ये मूवमेंट टाइप साथ आ रही है, ये पहले मटेरियल की 101 मूवमेंट हो रही है और बाकी जो नीचे है उनकी ठीक है, 5 और 3 हो रही है। तो 5 4 3 के वापस आ रहे हैं ये ना। 5 और 3 है कि अब वेंडर से हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया और हमने उससे फिनिश प्रोडक्ट जो वो लेने जा रहे हैं। इसको ठीक मैं है पॉज करता हूँ यहाँ से। ये कह रहा जी, ये जो मटेरियल है ना 18 का, ये स्टोरेज लोकेशन के ऊपर एक्सटेंड नहीं है, तो स्टोरेज हम चेंज कर लेते हैं, कर देता हूँ जी मैं पोस्ट। ये डॉक्यूमेंट हो गया पोस्ट, ठीक है। ठीक अब मैं दोबारा MB52 में जाता हूँ, है ओके आईका प्लांट के ऊपर एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पे मटेरियल लेता हूँ जी। मटेरियल कौन कौन सा था वो चेक कर लेते हैं। ना स्टॉक परचेज कर लिया आईका के ऊपर, हाँ ठीक है। सो बेसिकली हमने उसको तीनों जैसे आटा सॉस और वो दिया उसको ना, मतलब चिकन दिया वेंडर को, तो ऐसे उसने हमें ही। पिज्जा बना के दे दिया, हमने उसने हमने पिज्जा बना के दे दिया उसने, और पिज्जा वापस ला रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ना, यही बात हुई ना हाँ जी ऐसे ही, ऐसे ही है। ऐसा नहीं। और जो 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 हमने चिकन और डो और वो कहीं से खरीदा, या तो हमारे पास से या वो हमने कहीं से खरीदा, वो अलग 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 ट्रांजेक्शन से नहीं। हमने देना ना उसको रॉ मटेरियल, तो हम परचेज तो करेंगे ना पहले उससे। वो हाँ तो वो जो परचेज है वो अलग है, वो वेंडर अलग है, वो अलग चीज है, वो भी सेम फिर यही अलग हुआ चीज है है, कि वो अलग वो हो। हम चिकन किस हाँ जिससे परचेज करते हैं वो वेंडर हमारा अलग है। नहीं समझ आ गया समझ आ गया ओके ये MB51 में आज की डेट में ना तीन डॉक्यूमेंट पहुंचे हुए हैं, एक 101 जी सबसे पहले, ठीक है। हमने ले लिया जो 101 ने ये ठीक रिसीव है। किया है और ये हमने बाहर इशू किया था। ये वेंडर को मैं यहाँ से कर देता हूँ खत्म, बल्कि लोकेशन को ये आ गया जी। ये तो मूवमेंट टाइप्स आ गई सारी। हाँ मैं कर देता हूँ जी, इसके ऊपर कर रहा हूँ, उसको शाम कर देता हूँ मैं।
वो सबमिशन का साइन आ रहा होता है वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। स्क्रीन किस तरह कर दूँ मैं, चलो इसको सॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 101 जो है ना, ये 101 हुए 10 पीसेस, ठीक है। ठीक है ठीक है ये ठीक 541 हुआ था, ये 10 पीस, ये 10 पीसेस, ये एक है, ये एक दस है, आगे गए थे तो दो और तीन, और ये 543। पहले इतना इतना बाहर गया, फिर इतना इतना कंज्यूम हो गया 543 से। ये ठीक है, समझ आ गया है जी, ठीक है। ये है जी सिंपल सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये मतलब कि जो इसको सब ओके ओके कॉन्ट्रैक्टिंग ठीक कहते हैं, ये है जी वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग। है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको कॉल सेंटर का बता दूं, कॉल सेंटर कैसे खुलता है। KS01 से S01 ओके यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया देना होता है, जो सीईओ वाला बंदा होता है ना, उसे कंट्रोलिंग एरिया अपना बनाया होता है, वहां पे वो अपना कंट्रोलिंग अच्छा एरिया देता है। कॉल सेंटर का नाम ओके। रखना एक कंट्रोलिंग एरिया वैसे क्या है, कोड है, ये कोड है ना। कंट्रोलिंग एरिया, जिस तरह कंपनी कोड है, कंपनी कोड के नीचे कंट्रोलिंग एरिया होता है कि जिसके अंदर जाके कॉल सारी समाप्त हो जाती है। तो हमने कब बना रखा है इधर। जैसे कंट्रोलिंग एरिया आपके एक कंपनी कोड के अंदर मल्टीपल कंट्रोलिंग एरिया हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसके चार डिफरेंट कंट्रीज के अंदर चार प्लांट है, तो चार कंट्रोलिंग एरिया खुल जाएंगे और हर कंट्रोलिंग एरिया की कॉस्ट अलग से कंट्रोल हो रही होगी। ओके 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 ठीक ये कॉल सेंटर से ऊपर एक हायरार्की होती है जी कंट्रोलिंग की। अच्छा, है ठीक है। कॉल सेंटर का नाम क्या रखना है यहाँ पे आपने? आके रख दो यार, आके रख दो। आएगा ना भाई, आयका रख दिया इसका नाम। अब ये उसका नाम, रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसका कौन है, हाँ यही है। और इसका कॉल सेंटर कैटेगरी। ये कॉल सेंटर की कैटेगरीज हैं कि ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है, ये आपकी प्रोफेशनल कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, लॉजिस्टिक है। तो ये आपकी, ओके 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 ठीक तो ये कॉस्ट की टाइप इसको साइन किया कर दी जाती है है ठीक है। हाँ हायरार्की इसकी। और प्रॉफिट सेंटर, इसका प्रॉफिट सेंटर किसको होता है? जिसका कॉल सेंटर खुलता है, ओके इसका प्रॉफिट सेंटर भी खुलता है कि अगर ये इसकी जो कॉस्ट है वो कौन से प्रॉफिट सेंटर को जानी है, तो प्रॉफिट सेंटर भी इसको देना होता है। ओके इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ से, ये आपका सेव होगा जी कॉल सेंटर। अब नेक्स्ट आप 201 टेस्ट आईका के ऊपर कर सकते हैं। ओके 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 आएगा लेकिन आप ऐसा करें, आप अभी जो है ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का पीओ लगा के उस पर चीजें करें, तो मैं फिर 10-15 मिनट बाद आपके पास दोबारा आ जाता हूँ, तो चेक कर लेते हैं यार ठीक है ओके। सब अभी कॉन्ट्रैक्टिंग का पीओ अच्छा ठीक है, मैं लगाता बना लें। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का पीओ एक ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, प्रॉपर करता हूँ मैं पीओ ठीक बनाए, है एक ठीक प्रॉपर है एक आइटम ऐसी सिलेक्ट करें जिसकी रेसिपी पूरी पता है आपको, उसके मटेरियल खोलें, ठीक ठीक है ठीक। है, उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट एग्जैक्ट रख के, फिर उसके जिस हिसाब से कंजप्शन होनी है वो कंजप्शन दे के, तो फिर उसकी करें, फिर मैं चेक कर सकते हैं। ठीक है ओके 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 ओके, फिर करता आप हूँ। शुरू करें, मैं फिर आता हूँ हाँ थोड़ी देर बाद, ठीक हाँ ठीक है, फोन करना मुझे है ना, क्योंकि है, टेक्स्ट का पता नहीं चलता कई मैं बार। कर दूंगा कॉल ओके करके। थैंक यू ओके थैंक यू।